और सोशल मीडिया पर एक साथ हजारों ब्लैक बक यानी काले हिरणों के दौड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर चुके हैं। सड़क पार करते हुए हजारों हिरणों का झुंड देखकर ऐसा लगता है जैसे सड़क पर कोई समुद्री लहर उठ रही है। गुजरात के भावनगर में जंगल के बीच से लंबी कतार बनाकर गुजरते दुर्लभ प्रजाति के ये काले हिरण। हिरण तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए जाने जाते हैं, जो यहाँ नजर भी आया। काले हिरण एक के पीछे एक दौड़ते हुए कुलाचे मारकर सड़क को तेजी से पार करते नजर आए। नजारा भी ऐसा जैसे हिरणों की रेलगाड़ी गुजर रही हो। इस वीडियो में जब हिरण सड़क पार करने के लिए छलांग लगाने लगे तो ऐसा लगा जैसे सड़क के दोनों छोर पर कोई समुद्री लहर आ गई हो। एक के बाद एक हजारों हिरण छलांग मारकर सड़क पार करने लगे। करीब 3000 ब्लैक बक की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूर दूर तक हिरणों की ऐसी भीड़ कि इनकी संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ब्लैक बक यानी काला हिरण, ये हिरणों की संरक्षित प्रजाति है। उनकी कम होती आबादी को देखते 1972 में उसके शिकार पर रोक लगा दी गई। यही वजह थी कि 1 अक्टूबर 1998 को जब सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया तो जोधपुर कोर्ट ने उनको 5 साल की सजा दी। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में काले हिरण की अहमियत क्या है। लेकिन हाल ही में जब एक साथ 3000 काले हिरण दौड़ते देखे गए तो पहले के मुकाबले उनकी आबादी बढ़ने की चर्चाएं शुरू होने लगी। इस वीडियो ने पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने इसे ट्वीट करते हुए लिखा, शानदार। उसके बाद वीडियो को खूब लाइक्स और रीट्वीट्स मिले। ये वीडियो गुजरात के भावनगर से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद वेलादर नेशनल पार्क का बताया जा रहा है। इस रास्ते से गुजरने वाले एक शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में गुजरात के सूचना विभाग ने इस वीडियो को शेयर किया। देश में काले हिरणों का इतना बड़ा झुंड एक साथ दिखना एक दुर्लभ घटना है। वेलादर नेशनल पार्क काले हिरणों के लिए मशहूर है, जिसे संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यहां पिछले 5 साल में काले हिरणों की तादाद काफी बढ़ी है, जो राहत की बात है। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन, देखिए 100 बात की एक बात, किशोर अजवाणी के साथ।